मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर को अपनी ज़िंदगी का हासिल अल्लाह की नेमत और एहसान करार देने वाली अदाकारा मंशा पाशा का कहना है कि अब तो सियासत में भी बहुत ग्लैमर आ गया है, लेकिन इनके मंगेतर जिब्रान नासिर को शोबिज़ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। ताहम वो शादी के बाद जिब्रान की इंतखाबी मुहिम चलाने की बजाय अदाकारी जारी रखेंगे। मंशा पाशा ने मजीद कहा कि वो अपने दोस्त हमराज और हमजाद जिब्रान नासिर को पाने के बाद रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हैं। जिब्रान नासिर के सियासत में होने के हवाले से सवाल पर मंशा पाशा ने कहा कि अब दुनिया बदल चुकी है, ये वो नहीं रही जिसका लोगों को गुमान है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि शोबिज़ से वाबस्ता लोग सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री ही में शादियाँ कर रहे हैं, बल्कि बहुत सी फनकाराओं के शौहर डॉक्टर हैं और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब तो सियासत में भी खासा ग्लैमर आ गया है। ताहम सबसे अहम बात एक दूसरे की पेशावराना ज़िंदगी में तआवुन है। उनका कहना था कि जिब्रान नासिर अपने काम खुद ही देखते हैं, इसलिए मैं मुस्तकबिल में इनकी इंतखाबी मुहिम तो नहीं चलाऊंगी, ताहम इन्हें भरपूर तआवुन फराहम करूंगी और इनका हौसला बढ़ाऊंगी। जैसे इन्होंने मेरी फिल्म लाल कबूतर के दिनों में प्रीमियर्स पर आकर मेरी हौसला अफजाई की। जिब्रान अपनी जो चीज़ें वो खुद ही हैंडल करें वो बेहतर है, उनको ज़्यादा नॉलेज है अपने काम से लेके। लेकिन वो हम मेरे जो लाल कबूतर के दोनों प्रीमियर्स थे उस पर वो थे मेरे साथ, और अब जब भी उनकी इलेक्शन होगी उसमें ऑफकोर्स मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगी। शादी का मेरे करियर से ऐसा सच वो वाला ताल्लुक नहीं है कि कोई चीज़ इन दैट वे चेंज होगी। काम तो मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी। मंशा पाशा ने वाजे किया कि जिब्रान नासिर का काम काफ़ी संजीदा नवयत का है और इन्हें शोबिज़ से कोई भी दिलचस्पी नहीं, इसलिए ये इम्कान नहीं कि कभी वो इनकी किसी फिल्म में बतौर मेहमान अदाकार भी शरीक हो। वाजे रहे कि जिब्रान नासिर की पहली शादी होगी, जबकि मंशा पाशा की इससे पहले होने वाली शादी खत्म हो चुकी है। इस हवाले से मंशा पाशा का कहना है कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तो इसमें माजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जानिब देख कर फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी ड्रामा नवीसों को तलाक के मौजू से बचने की हिदायत पर मंशा ने कहा कि अगर आप किसी चीज़ को बुरा कहें या समझें तो वो ख़त्म नहीं हो जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत से घरानों में ख़वातीन को ये सिखाया जाता है कि चाहे जो भी हो इन्हें अपनी शादी को बरकरार रखना होगा, जिसका असर खातून पर और इनके बच्चों पर पड़ता है। मंशा पाशा ने अपने ड्रामे मोहब्बत तुझे अलविदा पर होने वाली कड़ी नुक्ताचीनी के हवाले से कहा कि वो सिर्फ अपना किरदार निभा रही हैं, ये ड्रामा मैंने नहीं लिखा इसलिए इसका दिफा करना भी मेरा काम नहीं। हर इंसान की एक राय होती है, जब एक तसलसल जारी रखना हो तो कुछ कहना वैसे भी कारगर नहीं होता। ख्याल रहे कि ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा में मंशा पाशा दूसरी बीवी का किरदार अदा कर रही हैं। इस बारे में इनका कहना था कि अगरचे बहुत से घरानों में इसे अच्छा नहीं समझा जाता मगर इस्लाम में इसकी इजाज़त है इसलिए बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। ख्याल रहे कि मंशा पाशा ने अदाकारी का आगाज़ मशहूर तीन ड्रामा सीरियल हमसफर में एक मुख्तसर से किरदार से किया था। इसके बाद वो कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं, जबकि इनकी दो फिल्में भी रिलीज़ हो चुकी हैं। इनकी पहली फिल्म चले थे साथ थी, ताहम इन्हें शोहरत लाल कबूतर से मिली। गुज़िश्ता बरस आने वाली मंशा की फिल्म लाल कबूतर पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी के लिए भेजी गई थी। मंशा पाशा ने अपनी आने वाली फिल्म कहे दिल जिदर के बारे में कहा कि वो गुज़िश्ता साल मुकम्मल हुई थी और रवां बरस इसे रिलीज़ होना था, मगर कोरोना वायरस की वजह से चूंकि सिनेमाघर बंद है तो इस हवाले से अब प्रोड्यूसर या हिदायतकार ही कोई फैसला करेंगे। आखिरी में मंशा पाशा ने बताया कि ईद उल अज़हा पर इनकी एक मजाहिया टेलीफिल्म लड्डू की लेडी हम टीवी पर नशर की जाएगी, जिसमें वो सैयद जिब्रान, हिना दिलपजीर और बहरोज सब्जवारी के साथ नजर आएंगे। यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।